फट जाएगा लोगों। 7 साल किसी को नहीं दिखाना, अगले 7 साल ऐसा दिखूंगा कि दिमाग फट जाएगा लोगों। तुम चाहे हनी सिंह के फैन हो या फिर हेटर, हिप हॉप इंडस्ट्री में हनी बाजी ने ऐसी एल्बम फेंकी है कि फैंस तो खुशी से पागल हो चुके हैं, लेकिन साथ में हेटर्स भी इस एल्बम को लूप पे हर दिन सुन रहे हैं। इतनी ज्यादा खतरनाक प्रोडक्शन आज तक किसी भी बंदे की तरफ से देखने को नहीं मिली है। गिरफ्तार और जियान के पेड पेजेस चाहे कितना भी हेट फैला ले, लेकिन इस एल्बम की जो स्ट्रीम्स है, जो लाइक्स है, जो व्यूज है, उसने सबके मुंह बंद कर दिए हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर इस पे 50 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुकी थी, वहीं अभी कुछ 45 दिनों के बाद इस पे ऑलमोस्ट 75 मिलियन स्ट्रीम्स हो चुकी हैं। शायद इस महीने सेंचुरी भी लग जाए। ग्लोरी से पहले हनी पाजी के 12-13 मिलियन मंथली लिसनर्स थे, लेकिन अभी सीधा 20 मिलियन के पास पहुंच चुके हैं। वो इस टाइम के मोस्ट स्ट्रीम्ड DHH आर्टिस्ट हैं। आप लोग ये टॉप आर्टिस्ट की लिस्ट देखो, पिछले 1 महीने से हनी पाजी टॉप 10 के अंदर बने हुए हैं। उन्होंने करण औजला, दिलजीत दोसांझ और सभी पंजाबी आर्टिस्ट को पीछे कर दिया है। हिप हॉप में सो कॉल्ड नंबर 1 आर्टिस्ट मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा, दिखेगा भी क्यों? इसकी सारी स्ट्रीम्स औजला, दिलजीत और अरिजीत सिंह की वजह से आती है। आप लोग इसकी एकता जियान एल्बम उठा के देख लो, इसके एक भी सोलो सॉन्ग पे स्ट्रीम्स नहीं है, सारी स्ट्रीम्स करण औजला और अरिजीत सिंह की वजह से हैं। वहीं दूसरी तरफ हनी पाजी की ग्लोरी एल्बम के अंदर एक भी बड़ा आर्टिस्ट फीचर नहीं हुआ। उन्होंने शाहरुख खान की हाइप नहीं ली, पूरे DHH को फीचर करा के हाइप नहीं बनाई, उन्होंने उल्टा अंडरग्राउंड आर्टिस्ट के साथ कोलैब करके उन्हें सपोर्ट किया, फिर भी इतनी सारी स्ट्रीम्स आ गई, वो भी 100% ऑर्गेनिक। इस एल्बम का एक भी सिंगल एड अभी तक Spotify पे नहीं लगा। वहीं बाकी सब आर्टिस्ट तो एल्बम ड्रॉप करते ही सबसे पहले Spotify पे एड्स लगाते हैं और वो एड्स 2-3 महीने चलते हैं। YouTube पे तो ये सीधा फेक व्यूज लेते हैं। सबसे लेटेस्ट एग्जांपल आप लोग बोर्चा भाई का ले लो, इस पे 20,000 लाइक्स भी नहीं है, लेकिन व्यूज सीधा 3.7 मिलियन। इसे बोलते हैं जादू। वाह क्या गांडू है। ग्लोरी एल्बम ने सिर्फ Spotify पे नहीं बल्कि iTunes और YouTube पे भी आग लगा रखी है। iTunes पे तो एल्बम एकदम पहले दिन से नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही है। वहीं YouTube के ऊपर अगर आप सभी सॉन्ग्स के लाइक्स और व्यूज ऐड करते हो तो टोटल लाइक्स 8 मिलियन क्रॉस हो चुके हैं। वहीं व्यूज 250 मिलियन। पहली तीनों म्यूजिक वीडियोस के ऊपर 1 मिलियन से ज्यादा लाइक्स हैं। मिलियनेयर पे तो सीधा 3.5 मिलियन हो चुके हैं। 1.5 मिलियन रील्स बन चुकी हैं। वहीं एकता जियान के ऊपर एक सॉन्ग पे भी ढंग से 1 मिलियन लाइक्स नहीं है। अभी तो ग्लोरी एल्बम से सिर्फ 3 म्यूजिक वीडियोस आई है, 7 वीडियोस अभी आना बाकी है। तो आप लोग समझ जाओ, मूस टेप और हनी 3.0 के बाद ग्लोरी एक ऑल टाइम मोस्ट लाइक्ड एल्बम बनने वाली है। इस एल्बम की 4th म्यूजिक वीडियो जट महकमा होगी, जिसको लेके हनी पाजी ने कल ही रात एक पोस्ट करके बताया था कि इस सॉन्ग को उन्हीं ने डायरेक्ट किया है। एज अ डायरेक्टर ये उनकी फर्स्ट म्यूजिक वीडियो होने वाली है। इसके अलावा पायल पे भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सिर्फ लिरिकल वीडियो ने 13 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। इस एल्बम से 2 गाने ऑलरेडी बिलबोर्ड पे जा चुके हैं। ये तो बात हो चुकी एल्बम की, लेकिन हनी पाजी ने पिछले 1.5 महीने में 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे गेन किए हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने जियान भाई हैं, जिनके 2 दिन पहले तक तो डेली फॉलोअर्स घट रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इस न्यूज को कवर किया, इसने सिर्फ 2 दिन के अंदर भाई साहब पूरे 2 लाख फॉलोअर्स फेक ले लिए। आप लोग सामने देख सकते हो, जिसके डेली फॉलोअर्स घट रहे थे उसके एकदम से इतने सारे फॉलोअर्स कहाँ से आ गए? ये हनी पाजी को पीछे करने के लिए कुछ भी कर सकता है, इसीलिए इसकी कोई इज्जत नहीं करता। भैसानुमा सिंगर अपने गाने के लिए कम से कम 1 करोड़ व्यूज खरीदता है फेक, और पब्लिक को ऐसा लगता है कि भाई इसका गाना लोग सुनते हैं, इसका गाना हिट हो चुका है, जबकि इस हाथी नुमा सिंगर का गाना कोई नहीं सुनता, क्योंकि सब गानों में एक ही तरह की बकवास करता है, इसको गाना गाना बिल्कुल नहीं आता। इन शॉर्ट, ग्लोरी एल्बम हर जगह आग लगा रही है। हनी पाजी हर जगह नंबर 1 पे आ चुके हैं। चाहे यूट्यूब पे लाइक्स और व्यूज हो, स्पॉटिफाई पे स्ट्रीम्स हो, डेली और वीकली टॉप आर्टिस्ट हो, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पे मोस्ट फॉलोड आर्टिस्ट हो, या फिर 50 म्यूजिक वीडियोस पे 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज लाके इंडिया का नंबर 1 और वर्ल्ड का नंबर 5 आर्टिस्ट बनना हो, हर जगह हनी सिंह का टेक ओवर हो चुका है। जो लोग ये सब देख के रो रहे हैं, उनको देख के काफी ज्यादा मजा आ रहा है। खैर, ग्लोरी एल्बम को इसी तरह सुनते रहो। अभी हमें और भी रिकॉर्ड्स बनाने हैं।